सेवन एट सर नीम साहब ने आपको बुलाया है. स्टैंड अ चीज. ठीक है, कह दो स्कूल के बाद मिलूंगा. आपने बुलाया था मुझे? बैठिए. आराम से भी तो बैठा जा सकता है, कोई कुछ नहीं कहेगा. लवली शर्ट नहीं खरीदी? नहीं, सिलवाई थी. मुखर्जी साहब अंदर है? हाँ, बैंगलोर गए. ओ, आपका तार आया था कि तबीयत ठीक नहीं. एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं क्या? वैसे लीव बढ़ाने के लिए? जी, वैसे लीव छुट्टियां बढ़ाने के लिए. हाँ, मेरा भी यही ख्याल था. ये जिस्म कभी बीमार हो सकता है क्या? यू हैव अ ब्यूटिफुल फिजिक, यू नो दैट. अच्छा, मैं चलता हूँ. क्यों, क्या जल्दी है? नहीं, घर पे कुछ काम है. सुनिए, आप स्टेट की तरफ से जा रहे हैं ना? जी. वहां तक मैं भी साथ चलती हूँ. सारा दिन घर बैठे बैठे बोर हो गई. चलिए ना. जब तुम्हारे साहब की दूसरी बीवी बन के आई थी तब ये नहीं लगा था कि जिंदगी इतनी बोरिंग भी हो सकती है. इन्हें ऐसे करते हैं जैसे जैसे कोई बहुत बड़ी जनाई ले रहा हो. कितना कुछ सोचा था, कितने सपने देखे थे, लेकिन दूर से सब सुहाने लगते हैं. रात को कितने बजे सोते हो? रात को कितने बजे सोते हो? 10-11 बजे. सो लेट? इतनी देर तक तुम करते क्या हो? 9-9:30 बजे तक खाना वाना खा लेता हूँ, फिर घंटा भर कुछ पढ़ता हूँ और बस. ओह, दैट्स नाइस. तुम्हारे साथ तो 7:30 बजे ही सो जाते हैं. चलते हो? बचपन की उम्र में शायद हम भी 7:30 बजे ही सो जाया करेंगे. अच्छा, अच्छा मैं चलता हूँ. ओ, देर हो गई ना? हाँ. ओके.